नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल तरीके से इस ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मैंने वेयर किया है। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी, और आपको ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह की मीडिया आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अगर आप बिगनर हो तो भी आप इजीली अब इसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर तीरा रखेंगे, यानी कंधा, जो कि मैं 5.5 इंच पर रख रही हूँ। और ध्यान दें, मैं यहाँ पर स्ट्रिप वाली बना रही हूँ। तो स्ट्रिप वाली में हमें क्या करना होता है कि हमें 5.5 या 5 इंच ही रखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं रखना होता है। अगर उससे ज़्यादा रखेंगे हमारी स्ट्रिप जो है नीचे की ओर गिरने लगेंगे। अब जो हमारा आर्म होल है वो मैं 6.5 इंच पर रख रही हूँ। 6.5 से ज़्यादा गहरा ना करें, उससे कम कर सकते हैं आप, ज़्यादा ना करें। अगर ज़्यादा गहरा कर देंगे तो नीचे से देखने में गहराई में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप 6.5 इंच पर ही मार्क करें। देखिए कुछ इस तरीके से। हाफ इंच हमें अब अंदर की ओर रखना है, इस तरीके से आर्म होल के पास। ये देखिए 1/2 इंच, ये हम आर्म होल की शेप देंगे उसके लिए है। जो हम अगर हम इस तरीके 1/2 इंच की मार्किंग नहीं करेंगे तो हमारे जो आर्म होल के पास गैदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और उसका शेप ख़राब कर देता है। इसलिए हम 1/2 इंच अंदर की ओर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कर्व शेप देंगे, जो कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देंगे जब हम मार्किंग कर लेंगे सारे तब। तो अब हम यहाँ पर अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका जितना भी हो आप उसे 4 से डिवाइड कर ले, उसके बाद 2 इंच लूजिंग रख लें। तो जैसा कि मेरा चेस्ट है 36 इंच, मैं 36 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मैं आया 9 इंच। 9 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। अब 2 इंच इसमें प्लस कर देंगे। ये देखिए आपका जितना भी कपड़ा बच रहा है, 2 इंच, 1.5 इंच, जितना भी आ रहा सारा ले लें कपड़ा। मेरा यहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है, तो मैं 1.5 इंच पूरा टोटल ले रही हूँ। अब स्केल की मदद से हम इसे मिला लेंगे। उसके बाद हम कमर के लिए नीचे पे एकदम स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। जितना भी आपका कपड़ा बचा सीधे मिला दीजिए इस तरीके से। मार्जिंग वाला जो माल लाइन है उसे हम इस तरीके से मिला देंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा वेस्ट है उसे भी हम इस तरीके से मिला देंगे। अगर आपको वेस्ट वाली लाइन में आप, मेरा थोड़ा क्या है कि मैं यहाँ वेस्ट में थोड़ा लूजिंग चाहती हूँ, इस वजह से मैं स्ट्रेट मिला रही हूँ। अगर आप लूजिंग नहीं चाहते हैं तो अपनी वेस्ट वाले कमर वाले हिस्से में मार्किंग अपने मेजरमेंट ले लें, उसके बाद उसे 400 डिवाइड करके आप मार्क कर लें। अब देखिए जो आर्म होल की हमारी शेप थी वो हम 1 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। ये देखिए अब 1 इंच पर मार्क करने के बाद हल्का सा कर्व शेप देंगे। उसी हाफ लाइन जो मैंने 1/2 इंच पहले मार्क किया था उसी को हम मिलाते हुए इस तरीके से इसे ज्वाइंट करके राउंड शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें कंधे के पास से 3.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करना है। ये देखिए 3.5 इंच पे यहाँ से हम स्ट्रिप वाली जो मार्किंग है उसे मिलाएंगे। तो 3.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे। आप 3 से 3.5 इंच रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बट आप मेरी माने तो 3 इंच ही रखें, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा लूज गले का शेप दिखने लगा था, इस वजह से मैंने टी शर्ट वेयर किया था। आप 3 इंच पे रखेंगे तो परफेक्ट आएगा। अब दूसरी साइड से 5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये देखिए 5 इंच पे मार्क कर लेना है, और इन दोनों लाइन को एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है एक दूसरे के साथ। उसके बाद अब यहाँ पर हम यहाँ पर कर्व शेप करेंगे, मार्क करें। ये देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पे कर्व शेप देंगे, हल्का सा राउंड शेप, जिससे ये थोड़ी डिज़ाइन आ जाए इसमें, यानी कि जो गले के पास है वो थोड़ा राउंड शेप में आ जाए हमारा, लाइक दिस, इस तरीके से। मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से मेजरमेंट कर ले आपका कितना स्टेप लगाना। तो ये देखिए 3.5 इंच है हमारा, तो हम 3.5 इंच का स्टेप लगाएंगे, और 3.5 में को डबल करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 इंच, यानी कि 1 इंच हम लूजिंग, यानी कि 8 इंच का हमें टोटल स्टिप कट करना है। तो 8 इंच आप ध्यान से याद करके अपना साइड में कहीं लिख ले अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, वरना आप 8 इंच याद कर लें, आपको 8 इंच स्टिप लगाने। अब देखिए अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। तो टक्स इस तरीके से 1 इंच पर हम लगाएँगे, बट मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ टक्स कैसे लगाते हैं प्रिंसेस सिम के साथ।
अब देखिए यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपका 36 इंच साइज है तो आप 10 इंच मार्क करें, अगर 36 से कम है तो आप 9.5 पे मार्क करें, उससे ज़्यादा है तो आप 11 ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पर 10 पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरा साइज़ है 36 इंच। आप इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ये देखिए। अब फोल्डेड साइड से हमें 4 इंच पे इस तरीके से मिला देना है, ये देखिए। इस तरीके से हम मिला देंगे 4 इंच पे। ये हो गया हमारा नॉर्मल टक्स। अगर एक टक्स वाला बना रहे हैं तो आप ये आपका नॉर्मल टक्स इस तरीके से लगता है 10 इंच पे फोल्डेड साइड से, हमारा 4 इंच पे। इस तरीके से हम नॉर्मल टक्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल टक्स ही लगाऊंगी एक एक एक, बट मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि आपको प्रिंसेस सिम की अगर ज़रूरत पड़े तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो अब देखिए, जो प्रिंसेस सिम के लिए आपको नॉर्मल इस तरीके से मार्क कर लेना है, और ऊपर से जहाँ से अमोल वहाँ से आपको इस तरीके से इंची टेप की मदद से या फिर फ्री हैंड आप हल्का हल्का कर्व शेप देके मिला लें, ये देखिए। उसके बाद नीचे भी इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा प्रिंसेस सिम भी तैयार हो जाएगा इसी में। आप नीचे से फोल्डर चार्ट से मिला लें कि आपको कितना चाहिए, 4 इंच है या नहीं, और हाफ हाफ इंच दबाने के लिए आप रख लें। तो ये देखिए हमारा नॉर्मल प्रिंसेस सिम भी इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इसमें हल्का हल्का राउंड शेप देते हैं बस, और कुछ नहीं करना है आपको। बट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मैं इसमें नॉर्मल एक टक्स बनाऊंगी, तो वो मैं इसे कट नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हो इस तरीके से प्रिंसेस सिप की भी मार्किंग लेके कट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी क्या होगी, जो टॉप पार्ट है वो प्रिंसेस सिप में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा वीडियो स्किप करके पीछे जाके देख सकते हैं, फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ 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 हमें कमेंट किया करें। हम मैं आपको सारे कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, तो आप प्लीज़ बिना किसी प्रॉब्लम के आप कमेंट हमें प्लीज़ किया कीजिए। अब देखिए हम सारी चीज़ों को कट कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे प्रिंसेस सिम को नहीं कट करूँगी बिकॉज मैं उसे नहीं बना रही हूँ, मैं और नॉर्मली 1 टक्स बना रही हूँ। कटिंग करने के बाद हमारे पास इस तरीके से 2 पीस मिलेंगे। अब इसमें दोनों पीस को आप सेट कर लें, उसके बाद हम अब नीचे की पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम नीचे के पल्ले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने कपड़े को 2 पीस में कट कर लिया। और उसकी लंबाई जो है 20 इंच है, और जो हमारी चौड़ाई है वो 39 इंच है, यानी कि जितना भी हमारा दामन है वो पूरा मैंने ले लिया, यानी कि जितनी भी हमारे कपड़े की विथ होती है चौड़ाई वो मैंने पूरा टोटल ले लिया। तो ये 39 इंच है और 20 इंच लंबाई में। अब इस तरीके से हमने 2 पीस कट कर लिया है। अब देखिए हमें स्ट्रिप कट करनी, जो कि मैं 2-2 इंच पे कट 2 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा कट करूँगी। इस तरीके से हमें 2 स्ट्रिप कट कर लेना है, और उसके बाद देखें इस तरीके से लाइक दिस फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई चलानी है, नॉर्मली जैसे हम स्ट्रिप तैयार करते हैं उसी तरीके से। हे गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरी फैमिली का एक प्यारा सदस्य बन जाए। मैं सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट की सिलाई करेंगे। तो टॉप पार्ट की सिलाई के लिए देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया, जो कि इसमें मैं अस्तर की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और ये झलक रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ अलग से। इस तरीके से मैं ट्रेस करके कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेप की मार्किंग करनी है, तो जो कि मैं एक एक इंच पर इस तरीके से मार्क करूँगी, ये देखिए। दोनों साइड पर हमें एक इंच में मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब हमने जो स्ट्रिप है उसे हम देखिए अस्तर की मेन फैब्रिक उठाएंगे, और अस्तर वाले कपड़े पे हम इस तरीके से रखेंगे, यानी कि जो वाइट वाला प्लेन हमारा है उस पर हम इस तरीके से ट्रेस कर लेंगे, और दोनों को साइड में रख लेंगे और सिलाई करेंगे। सिलाई कैसे करेंगे ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ।
अब स्टिप सिलने के बाद हम यहाँ पर हल्का हल्का सिलाई कट का मार्क देंगे, जिससे हम इसे ईजिली अच्छे से पलट सकें और सेम फिनिशिंग के साथ इसका स्टेप आ जाए। तो इस तरीके से ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारी स्टेप निकलेगी बाहर, ये देखिए। और इस पर आप एक फिनिशिंग के लिए एक पक्की सिलाई दे दें ऊपर की ओर, जिससे ये अच्छे लगे और इसमें प्रेस कर लें ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। तो इस तरीके से मैं इस पर एक सिलाई दूंगी राउंड में, इसके शेप में, जिस तरीके से इसमें शेप है उसी शेप में। एक पल्ला तैयार होगा, दूसरे पल्ले को हम इस तरीके से देखिए रख लेंगे, नीचे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपना एक कपड़े उठाएंगे, मेन कपड़ा उठाएंगे, अस्तर वाले कपड़े पे इस तरीके से दूसरे साइड का स्टिप रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिप को हमें रखना है अस्तर वाले कपड़े पे। और यहाँ पर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप एक इंच पर मार्क कर लें, या फिर आप फ्री हैंड भी रख सकते हैं। तो मैं एक इंच पर मार्क करके रख रही हूँ ताकि अब कोई भी कपड़ा स्टिप इधर उधर ना हो। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद स्टिप को सेट कर लें अच्छे से। ये देखिए स्टिप को आपको सीधा रखना है, ये देखिए सीधा एकदम रखना है, टेढ़ा उड़ा नहीं रखना है, ताकि ये जो हम इसे ओपन करते हैं वो सीधा आए। अब हम इसके ऊपर भी एकदम सेम उसी तरीके से सिलाई कर देंगे जैसे हमने फ्रंट में किया। सिलाई करने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फिनिशिंग शायद हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रंट और एक हमारा बैक है इसमें से। अब हम इसमें जो डॉट का मार्किंग था उसे मार्क करेंगे। तो डॉट वाली मार्किंग देखिए, यहाँ पे हमने कट का पहले ही मार्क लगा लिया था ताकि हमें पता चले कि हमें डॉट कैसे लगाना है। तो यहाँ पर हमने कट का मार्क लगा रखा था। अब इसी पर हम 4 इंच लंबा और हाफ हाफ इंच हमें कपड़े को दबाना है, हाफ इंच बस, उससे ज़्यादा नहीं दबाना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए डॉट हमारा इस तरीके से बन गया, ये देखिए कितना अच्छा और फिनिशिंग के साथ बना है। सेम इसी तरीके से फ्रंट और बैक में डॉट लगा लेंगे। अब हम नीचे के पल्ले की तैयार करेंगे। उसके लिए क्या करना है, हमें 5 इंच की सबसे पहले एक सिलाई चलानी है, एकदम सीधी सिलाई चलानी है चौड़ाई के साइड में। ध्यान दें, चौड़ाई के साइड में हमें सिलाई चलानी है, लंबाई में नहीं चलानी है। सिलाई करने के बाद ये देखिए इस तरीके से आपको एक धागे को पकड़ना है और हल्का हल्का इसमें से खींचना है। और जब आप इसे खींचेंगे तो ये एकदम गेदर्स के साथ बन के इक्वल बराबर तैयार हो जाएंगे। मैं अपने सारे वीडियो में आपको बताती हूँ कि गेदर्स कितना इजी होता है बनाना। आपने देखा होगा अगर मेरे वीडियो में हमेशा मेरे वीडियो देखते हैं तो। अगर नहीं देखते हैं मेरे वीडियो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिज़ाइन से रिलेटेड और न्यू आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप इजीली सिलाई वगैरह सीख सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए मेन कपड़े में इस तरीके से सेट कर लेना है और उसके ऊपर हम गदर्स वाले कपड़े को एकदम इक्वल बराबर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई करते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वॉइस में या फिर मेरे समझाने में कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी, साथ ही जो भी कंफ्यूजन उसे भी क्लियर आउट करूंगी। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे शेयर करें। अब देखिए दोनों साइड को हमें इस तरीके से एकदम मतलब सेट कर लेना दोनों पल्ले को। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा वगैरह उसे हम कट करके निकाल देंगे। और देखिए गदर्स वाला जो धागा उसे भी हम निकाल देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये कितना ज़्यादा फिनिशिंग साथ तैयार हुआ, इक्वल बराबर एकदम साइड से, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। अब क्या करना है, हमें फ्रंट और बैक को इस तरीके से सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रंट का और दामन वाले हिस्से को और वेस्ट वाले हिस्से को, दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। और इस पर 36 इंच पर मार्क कर ले, उसके हिसाब से आप सिलाई कर ले एक सीधी सिलाई। मैं यहाँ पर 2 सिलाई दूँगी एक्स्ट्रा ताकि अगर हमें फ्यूचर में कभी छोटा या बड़ा करना होगा तो उससे प्रॉब्लम ना हो मुझे। अब
हम इसके दामन को भी इस तरीके से फोल्ड करके सिल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करती हूँ, पूछती हूँ आपकी सारे आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, तो जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो दामन फोल्ड करने के बाद फाइनल लुक कुछ हमारा इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये मीडी कितना ज़्यादा स्टाइलिश एंड प्रिटी दिख रहा है। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।